बदलते मौसम के बाद अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय गोरखपुर में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ओपीडी में डॉक्टर को पहले दिखाने के चक्कर में मरीज और उनके तीमारदार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए लगाए गए गार्डों और अस्पताल के कर्मचारियों से उलझ जा रहे हैं। जल्दबाजी इतनी कि लोग एक दूसरे से सटकर पहले हम को दिखाने की होड़ में लगे हैं। आपको बता दें, शनिवार को जिला अस्पताल गोरखपुर में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली है। मरीज और उनके तीमारदार ओपीडी के बाहर एक दूसरे से सटकर खड़े रहे। इस संबंध में प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने बताया कि मरीजों और उनके तीमारदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने की लगातार अपील की जा रही है, लेकिन जल्दबाजी के कारण लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हो जा रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों द्वारा मना करने पर उनसे भी विवाद करने पर आमादा हो जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुरुषों की अपेक्षा ओपीडी में दिखाने आ रहे मरीजों में महिलाओं की संख्या अधिक है, जिसके लिए महिला गार्ड लगाने के लिए की बात की जा रही है। जल्द ही महिला गार्ड की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिससे महिलाओं को जल्दबाजी करके दिखाने से रोका जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर अभय चंद श्रीवास्तव ने कहा, अस्पताल परिसर में ना बैठे। व्यक्ति संदिग्ध रोगी हो सकता है, आप लोग अगर दिखा चुके हैं दूरी बनाइए, मास्क लगाइए और अस्पताल परिसर में ना बैठे। दवा ले चुके हैं तो घर जाइए सर। नहीं, पहले से मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और मैं यहीं से बैठकर हर जगह गाइड कर रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग और अपने चिकित्सा अधिकारी, अपने कर्मी और आने वाले साथ में पब्लिक में भी कोविड का इन्फेक्शन न फैले, इसलिए हर तरह से हर जगह पर स्टेप लिए जा रहे हैं। गार्ड लगे हुए हैं, अनाउंसमेंट हो रहे हैं, बीच बीच हम भी यहाँ इसे गाइड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोविड-19 के इस महामारी के समय भी सभी को सुरक्षित रखते हुए हम आवश्यक सभी को चिकित्सा उपचार सही तरीके से दे पाए। सर, अभी तत्काल में देखा गया है कुछ ओपीडियों के बाहर एक से दूसरा व्यक्ति एकदम सट के खड़ा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में मरीज है। नहीं, अब यहाँ से तो अंदर भेजे जा रहे हैं, मेन रोड, मैंने मेन गेट पे ही हर ओपीडी के कमरे के हिसाब से पर्ची अलग करवा दी है और सब सामने मरीज ख़त्म हो तभी से उस कमरे के लिए मरीज छोड़े जाएंगे। आज जाके दिखाएं, वहाँ दिखा के रुके ना, दवा लें, चिकित्सालय परिसर से अपने घर जाएं तुरंत, ये सब अनाउंसमेंट चल रहे हैं। लेकिन औरतें इनको बात करने की आदत नहीं है, जब दो खड़ी रहती है तभी बात करने लगती हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत ऐसी नहीं है कि न ख़त्म हो, समझाया जा रहा है और हर स्तर पे प्रत्येक हमारे चिकित्सालय का कर्मचारी कोशिश कर रहा है। प्रतिदिन कितने मरीज ओपीडी में दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं? इस समय 1,500 से ऊपर जा रहा है, पहले जो 800-900 चलता था 1,400-1,500-1,200 ये अब आ गया है पर डे की ओपीडी 80-90-96-70 ऐसे मरीज प्रतिदिन भर्ती हो रहे हैं।